के लिए रखा गया था। आज साहेबगंज के गोड़ावाली मैदान के पश्चिमी रेलवे फाटक जो ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर आज़ादी के बाद से ही इस ओवर ब्रिज पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण का संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन या सरकार के कान में जू नहीं रेगा है कि इस पश्चिमी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बने। हॉस्पिटल बन गया है, कई माता बहन सभी को इससे बहुत कठिनाई होती है, जाम लग जाता है, गर्भवती माता महिलाएं का प्रसव फाटक बंद रहने से रोड पर हो जाता है, जिनके कारण आज यहाँ की जनता इस कमेटी के सदस्यों ने मिल करके इस स्थल पर एक धरना का कार्यक्रम किया और रेलवे प्रशासन और सरकार को चेताने का काम किया कि जल्द से जल्द इस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य हो, नहीं तो जनता आंदोलित होगी, आंदोलन करेगी इस कमेटी के माध्यम से इस ओवर ब्रिज का निर्माण अति आवश्यक और जल्द से जल्द हो। बोलिए। आज दिन रविवार 14 जनवरी 2018 को ओवर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था के पश्चिमी छोर पर एवं पूर्वी छोर पर जल्द से जल्द ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। ओवर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति बनने के बाद ओवर ब्रिज बनवाने हेतु समिति ने डीआरएम मालता को ज्ञापन सौंपा, रेल डीएम कोलकाता को ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन भेजा, रेल मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजा और हमारे माननीय विधायक आनंद ओदा साहब से भी हम मिले, हमारे उपायुक्त महोदय से भी मिले, पर इन सबों से आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आज इन जन समर्थकों के साथ ओवर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया और ये बताया कि ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग जन आंदोलन करेंगे तथा रेल चक्का जाम करना पड़ा तो वो भी करेंगे। ओवर ब्रिज संघर्ष समिति का जो गठन हुआ है, आज तक जितना भी सरकार आई, जितना भी नेता आया, आश्वासन दिया है और ये ओवर ब्रिज के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, ये सब जानता है, बाकी जनता अभी मुंह खोलने के लिए पर नहीं चाहता है। तो अब ये समिति के तरफ से हम लोग अपना आह्वान दे रहे हैं, अब सरकार ये बात हम लोग का नहीं सुनेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। बहुत जरूरी है ओवर ब्रिज, यहाँ बहुत जरूरी, ये सब जानता है, जानने के बाद भी सरकार अपना बात को आंख मूंद के लेके बैठी हुई है, हम लोग का साथ कोई नहीं दे रहा है, ये ले करके हम लोग जो करना होगा करेंगे, चक्का जाम करना होगा वो भी करेंगे। वैसे धरना किस लिए रखा गया था बताएं? आज यहाँ एक दिवसीय धरना साहिबगंज में पूर्वी और पश्चिमी दोनों फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए रखा गया है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग लगातार ये सुन रहे हैं कि ओवर ब्रिज का निर्माण बनने वाला है, लेकिन आज 3 वर्ष हो जाने के बाद भी अभी तक जो है कुछ कोई आता पता नहीं है, सुनने में आ रहा है कि जो बनने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। तो अब जो है साहेबगंज की जनता का सब्र का जो है बांध वो टूट चुका है, अब हम लोग आज एक दिवसीय धरना देकर के आंदोलन का बिगुल फूका जो है, कितने गाड़ियाँ एक लंबी कतार लग जाती है, ये पश्चिमी ओवर ब्रिज है, पूर्वी ओवर ब्रिज वहाँ भी उसी तरह का जाम लगा हुआ रहता है। अब जो है एक सबसे महत्वपूर्ण टमटम स्टैंड के पास जो एक छोटा सा अंडरग्राउंड ब्रिज है, जहाँ से जनता जो है दसनी शहर की ओर जाती थी, अब वहाँ पर भी जो है रेलवे लाइन बन गया है, यानी कि तीसरा रास्ता जो बना है वो रास्ता भी अब वहाँ पर भी रेलवे क्रॉसिंग जो है लग जाएगा। तो यानी कि अब साहेबगंज वासियों को, पूरे शहर की जनता को अगर कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए अब बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और स्टेडियम है इधर, हॉस्पिटल है, और जो है खेल का मैदान है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी होता है और देखिए फिर जो है फाटक गिर गया है। तो इस तरह से अभी हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि जो आए दिन जो है हमारी माताओं बहनों का प्रसव जो है रेलवे फाटक पर हो रहा है, तो ये जो है बहुत ही, हम सरकार का ध्यान इस धरना के माध्यम से यह आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द और ब्रिज का निर्माण आरंभ नहीं किया गया तो जो है फिर साहेबगंज बंद करने का काम हम